अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान सईद। वेलकम टू फैट टू फिट सीरीज़ वीक 4। और आज की जो है सीरीज़ वो वीक 4 है। अगर आपने वीक 3 तक की वीडियोस नहीं देखी तो टेंशन नहीं लेनी, डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप बाकी की वीडियोस भी वहाँ पर देख सकते हैं। और एक और बताऊँ कि ये जो वीक है ये है फर्स्ट मंथ का लास्ट वीक, यानी कि इसके बाद जो वीक स्टार्ट होंगे वो सेकेंड मंथ का होगा और लास्ट मंथ भी होगा। तो बहरहाल ये वाला जो वीक है ना, इस वीक में हम ऐड करने वाले हैं चीट मील को। जी हाँ, चीट मील का नाम सुन के खुश तो हो ही गए होंगे। इस वीक में मैं ऐड करूँगा चीट मील को, बिकॉज लास्ट जो मेरे 3 वीक्स थे उसमें मैंने एक भी चीट मील नहीं किया और उसमें किसी भी किस्म का कोई चीट मील ऐड भी नहीं था। लेकिन अब जो है वो चीट मील ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, इसका रीज़न क्या है, वो सारा कुछ जो है वो मैं सारा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो है ना इस वीक में, यानी कि 4 वीक में जो है मैं चीट मील को ऐड कर रहा हूँ, वो क्यों ऐड कर रहा हूँ उसका मैं बताता हूँ आपको रीज़न। देखो यार, हमारी ये जो सीरीज़ है वो है फैट टू फिट सीरीज़। मैं जो हूँ अपनी बॉडी की कंडीशन को चेंज करना चाहता हूँ, मसल्स को बिल्ड एंड फैट को लॉस करना चाहता हूँ। मेरा ये हरगिज़ पर्पज़ नहीं है कि मेरा वेट कम हो। क्यों? क्योंकि मुझे वेट नहीं कम करना, मुझे मसल्स को जो है वो ग्रो करना है और फैट को जो है रिड्यूस करना है। इसी वजह से फर्स्ट 3 वीक्स में एक भी चीट मील नहीं रखा गया था, बिकॉज वो स्टार्टिंग था। तो स्टार्टिंग में एकदम से ग्लूकोज को जब हमने नॉर्मल लाए, यानी कि पहले मैं नॉर्मल रूटीन में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स लेता था जिसकी वजह से मेरा ग्लूकोज लेवल रहता था अप। अब मैंने क्या किया, यानी 3 वीक्स में जो हमने डाइट प्लान किया, सारा कुछ चलाया, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से कट करके पहले से जैसे स्किप किया, तो हमारी बॉडी से ग्लूकोज डिप्लीट होना स्टार्ट हुआ, हमारे मसल्स जो है वो प्रोमिनेंट होने लग गए। लेकिन अब ये वाला जो है ये है लास्ट वीक, और इसके बाद जो वीक स्टार्ट होंगे वो होंगे बहुत टफ, क्योंकि मुझे उस वीक में जो है अपनी बॉडी को फुल श्रेडेड करना है, कटिंग लानी है। तो इसलिए इस वाले वीक में जो है वो मैं थोड़ा सा चीट मील करूँगा, ताकि मेरा जो है वो वेट, जो ऑलमोस्ट अभी मेरा वेट है 67, अब 67 से अगर मैं एकदम से मैं वापस उसमें, यानी मैं श्रेडेड वाले वीक में चला गया, तो मेरा वेट 65 से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जबकि मुझे 65 से कम नहीं करना, मुझे जो है 65 अपना बॉडी वेट रखना है। तो बहरहाल अब मैं करूँगा क्या, मैं इस पूरे डे में जो है वो एक चीट मील जो है वो ऐड करूँगा। अब वो एक चीट मील क्या होगा और किस टाइम का होगा, तो वो मैं आपको बता दूँ कि यार पहले चीट मील्स का मैं कुछ बता दूँ, लिस्ट के चीट मील में आप क्या क्या ले सकते हैं। वैसे तो चीट मील की आप लोगों को लिस्ट बड़ा पता होगी, क्योंकि सारे बंदे चीट ही चीट करते हैं। बहरहाल फिर भी इसमें आप बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी और चॉकलेट, इसके साथ फ्रूट्स में कुछ बता दूँ तो बनाना सबसे बेस्ट है। यानी ये 5 चीज़ें जो है मैंने आपके साथ चीट मील में बताई हैं आपको, जो कि मैं ऐड करूँगा अपनी डाइट में, इनमें से जो भी मेरा दिल करेगा। लेकिन आपका भी जो दिल करेगा आप इसमें से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब वो कितनी क्वांटिटी में लेनी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट जो है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिज़्ज़ा ले रहे हैं, तो भाई लार्ज वड्डा वाला पिज़्ज़ा नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल सा माइनर सा पिज़्ज़ा समझ लें, जो सबसे स्मॉल साइज़ हो आपने वो वाला पिज़्ज़ा लेना है। क्यों? क्योंकि यार हमारा पर्पज़ जो है उस चीज़ को काउंट करना है, हमने चस्के नहीं लेने, चस्के डाइटिंग के बाद बड़े मिलेंगे। लेकिन अभी बिल्कुल माइनर सा नॉर्मल साइज़ वाला आप पिज़्ज़ा एक ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्रूट लेते हैं, यानी कि फ्रूट में मैंने जैसे बनाना का नाम लिया, तो बेस्ट है आप 3 से 4 केले यूज़ कर सकते हैं इनके। आप 3 से 4 केले खाएँ, कोई नहीं होगा, कोई मसला नहीं आपका होगा बकायदा, बल्कि आपको इसके बेनिफिट्स ही मिलेंगे। उसके बाद आती है 3रे नंबर पर है चॉकलेट। तो मैंने जो चॉकलेट का नाम लिया वो है डार्क चॉकलेट। आप कोई भी कंपनी की, किसी भी कंपनी की चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मेरे पास अभी चॉकलेट रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मैं ये डेरी मिल्क लेकर आया था और ये बिल्कुल छोटा सा नॉर्मल साइज़ है, यानी कि मेरी इंजॉयमेंट के लिए मेरा पर्पज़ पूरा होना चाहिए, आप चॉकलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बिरयानी का बताया है, बिरयानी का नाम सुन के लोरी खुश हो गए होंगे, तो बिरयानी जो है भाई बिल्कुल आप बिरयानी की जो है हाफ प्लेट, वही मैंने कहा ना कि चस्के नहीं लेने, अपना काम करना है, हाफ प्लेट बिरयानी, उसमें आप चिकन जो है वो अपना ऐड करेंगे ही करेंगे, बिकॉज प्री वर्कआउट मील्स में क्योंकि लेना है वो मैं आपको बताता हूँ इसमें। बहरहाल हाफ प्लेट बिरयानी आप ले सकते हैं। ये हो गई हमारी चीट मील की लिस्ट। और बर्गर जो है वो तकरीबन आपने जो एक नॉर्मल साइज का आपको बर्गर मिलता है, हाँ जिंगर बर्गर मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो चिकन जो है वो फ्राइड करते हैं, तो बेस्ट है कि आप शामी बर्गर या चिकन बर्गर वगैरह पर ही वे इंजॉय करें।
ये हो गए हमारे चीट मील्स। अब मैं आपको बताता हूँ इनकी टाइमिंग का कि आपने लेना किस टाइम है। आप इसको बेस्ट टाइम है प्री वर्कआउट में ऐड करें, यानी जब आपने ट्रेनिंग करने के लिए जाना है, आपको पता है कि अब मेरा वर्कआउट का टाइम है, आपने उसको तब इनटेक करना है। और उसमें क्या करना है, जो आपका चिकन है, जो आपने जो उस प्रोटीन के लिए लिया था, बीफ यूज़ कर रहे हैं, चिकन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आपने अपने इस चीट मील को ऐड कर लेना है। ये है इसका बेस्ट टाइम यूज़ करने का। इससे क्या होगा कि वो जो आपकी बॉडी से एकदम ग्लूकोज पिछले 3 महीने हफ्तों में कम हुआ था, उसका थोड़ा सा लेवल अप होगा। और जब वो लेवल अप होगा तो आप देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो उसमें मसल का जो साइज है वो थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। और क्यों होगा इंक्रीज, क्योंकि ग्लूकोज जब आपकी बॉडी में जाएगा तो वो आपको पंप देगा। बहर ये है चीट मील से रिलेटेड जो कि हम वीक 4 में मैं ऐड करने वाला हूँ। बाकी के जो मील रहेंगे वो मेरे सेम एज इट इज़ होंगे जो मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ में अपलोड है, मॉर्निंग से लेकर नाइट सोने तक के मील। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब किया करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जैसे आजकल आप लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं कमेंट्स करना, ऐसे कमेंट जरूर बता दीजिए अगर, ताकि ये कमेंट जो है ना ये मोटिवेशन लेवल बन जाता है। एंड मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।